हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ गेट पे 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वन मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या कहती है, अज्यूम एफ टू बी अ ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट जे वाई बी अ फंक्शनल ऑफ द फॉर्म 0 to 1 एफ एक्स वाई डैश डी एक्स, और जहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो एक या एक से छोटी है और जीरो या जीरो से बड़ी है। डिफाइन ऑन द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 सेटिस्फाइंग वाई जीरो पर ए है और वाई वन पर बी है। फॉर सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी नेसेसरी कंडीशन फॉर वाई टू बी एन एक्सट्रीमम ऑफ जे इज, एक्सट्रीमम ऑफ जे के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इस पर हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर आप फंक्शन की ओर ध्यान से देखेंगे ना, तो 0 to 1 एफ एक्स वाई डैश डी एक्स दे रखा है, जिसमें यानी कि इस वाले फंक्शन में हमारे पास क्या नहीं है, वाई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है जो हमारा फंक्शन है। सिंस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। और हम जानते हैं यूलर इक्वेशन क्या होता है, इस एक्सटर्नल फाइंड के लिए हमें क्या निकालना होता है, किसकी मदद लेनी पड़ती है, यूलर इक्वेशन की। और यूलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो होते हैं। तो हमारे पास देखिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई तो जीरो है, हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि माइनस के डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी कि जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब माइनस साइन को हटा देंगे, तो आपके पास होगा डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ये चीज़ हट जाएगी, आपको मिल जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सी। सी आपका इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।